तुम्हारा पिज्जा आ चुका है, मुंह पे चमक देख रहे हो पिज्जा के नाम पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपको कुछ अलग लग रहा है? अलग मतलब देखो, मेरे अपनी शेव छोटी करा ली, देखो बिल्कुल छोटी करा ली। ये देखो, सीन ऐसा हुआ कि जब से मैंने शेव अपनी बढ़ा रखी थी, अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देख रखे हैं सारे, तो मेरी शेव हैवी है उसमें। देखो आपने देखा रखा होगा, बड़ी हुई है शेव मेरी, तो मम्मी भाई पीछे पड़ी हुई है कि जितनी तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तूने शेव बढ़ा रखी है। तू लगता है 20 साल का है, तू लगता है 25 साल का, तूने इतनी शेव बढ़ा रखी है, तेरे को सब आदमी समझते हैं ये वो। थोड़ा बच्चा बन के रह, जितना है तू, इतनी एज तेरी लगनी चाहिए, लड़का अलग आदमी को लग रहा है। मतलब शेव अच्छी लगती है मेरे को, बढ़ानी यार, इसमें आदमी वाली बात क्या है। पर मैंने कहा छोटी करवा ले मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो भाई छोटी करा लेते हैं। तो कल वैसे दीदी का प्रोग्राम है ना, तो इसलिए मैंने अपनी शेव छोटी करवा ली मम्मी के कहने पे। मम्मी कह रही थी शेव छोटी करवा के लड़का लग रहा है, बच्चा लग रहा है। अब मेरे को शेव अच्छा लगता है बढ़ाना, तो मम्मी कह रही है कि उसमें तो 28-30 साल का, 25 साल का ऐसे लगता है, जितना है उतना रहे, आदमी मत बना अभी से। मैंने कहा क्या बताऊँ, अच्छा लगता है शेव बढ़ाना। आप लोग अगर आपकी बियर्ड है और आप बियर्ड रखते हो तो आपको पता होगा वो फील अलग ही होती है भाई शेव बढ़ाने की। तो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी भी अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, छोटी भी अच्छी लगती है मेरे को। मैं स्टार्टिंग से पहले हमेशा ना ऐसे ही लगता था, हमेशा। मैंने अभी कुछ महीने में थोड़ी बढ़ा कर देखी थी कि लगती कैसे है, पर वैसे तो मैं ऐसे ही लगता था पहले भी, तो ठीक है। और अभी तो पहले मैं ज़रा नाश्ता कर रहा हूँ, अभी बन रही है चाय, मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। मम्मी तो नानी जी से बात कर रही है, अभी पहले बैठ के चाय पीते हैं, फिर देखते हैं आज क्या करना है। तो गाइस मस्त अभी हमारा खाना बन रहा है, पहले आज बन रहा है सीताफल की सब्जी, है ना मम्मी। तो मैंने अभी अपनी टी शर्ट भी चेंज कर ली, क्योंकि वो शर्ट पहन के गया था ना मैं सब कटवाने के लिए बाल, तो वहाँ पर बाल वाल लगे होते हैं, तो शर्ट थोड़ी मम्मी ने बोला चेंज कर ले, तो मैंने मशीन में डाल दी और टी शर्ट चेंज कर ली। तो टी शर्ट फ्री है, वैसे सही लग रहा है यार, दाढ़ी छोटी करवा के स्मार्ट लग रहा हूँ। तो दाढ़ी बढ़ा के वैसे सही में ज़्यादा मैच्योर लग रहा था, मतलब 25-26 साल का। पता सब मुझे बोलते हैं कि तू 26 साल का, 27 साल का, जो कि नया बंदा जो होता है, मैं बोलता हूँ मैं 20 साल का हूँ, तो सोचता है अरे लगता नहीं भाई, बहुत बड़ा लगता है। तो जल्दी मेरी बियर्ड आ गई, जल्दी मैं मैच्योर लगने लग गया। जब मैं 18 साल का था ना, जब मैं 21-22 साल का लगता था, अब मैं 20 साल का हूँ तो मैं लगता हूँ 25-26 साल का, क्योंकि मैं तो शेव बढ़ा लूँ, ऊपर से मेरा मैच्योर फेस, मैच्योर थोड़ी बॉडी है, तो लगता है थोड़ी शेव ऐसे रहूँगा ना तो सही है। स्मार्ट लग रहा हूँ वैसे ना मम्मी, स्मार्ट लग रहा हूँ ऐसे। क्या बोले यार, पहले नहीं लग रहा था, पहले नहीं लग रहा था, नहीं दाढ़ी चुपती थी मेरे। अरे हाँ याद आ गया मुझे, मम्मी मेरी पप्पी लेती थी और मेरी दाढ़ी ना भाई यहाँ तक थी, मतलब पूरी थी बड़ी बड़ी, मम्मी को छुपती थी भाई बहुत ज्यादा, मम्मी बोलती दाढ़ी छुपती दूर रहा कर मुझसे। अब मम्मी को दाढ़ी नहीं छुप रही, मस्त लग रही है दाढ़ी, दाढ़ी ऐसी बड़ी है, ऐसी अच्छी लग रही है, छोटी है और बढ़ाऊं या पहले अच्छी थी बड़ी थोड़ी सी, और पहले जो थी वो अच्छी थी, ये बेकार है। थोड़ा जब मैं 25-26 साल का जाऊंगा ना, जब मैं मूंछे उठाऊंगा, अभी नहीं, अभी अच्छे लगेगी मुझे उठाना, उठा ली है ना डोला इतना बना के, फिर मुझे उठाऊंगा जब मैं 25-26 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे उठा के अच्छे लाऊंगा ना, अभी ऐसी बढ़िया है। तो अभी तो मूवी देख रहा हूँ मैं, जरा बाहुबली आ रही है, बाहुबली। तो अभी पहले खाना बन रहा है, पहले खाना वाना खा लेता हूँ। तो गाइस खाना तो बन चुका है, तो पहले खाना खाते हैं। देखो सीताफल की सब्जी और रोटी, ये देखो। तो खाना खाते हैं पहले फटाफट। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि अभी शाम हो गई और शाम के बज रहे 6:30, में कितने बज रहे हैं, 6:15, इसके बीच का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर सो गया था, और अभी का सीन ऐसे है कि डैडी और दीदी गए हुए क्लास, गुरुजी घर गए हुए हैं वो थोड़ा सा, और मैं मम्मी के साथ पूरे दिन से अकेला हूँ। तो मैं पूरे दिन से कहीं बाहर ही नहीं गया, मम्मी को छोड़ के नहीं जाता मैं ऐसे, तो मैं पूरे दिन से हूँ घर के अंदर, कहीं बाहर ही नहीं गया। मम्मी को ले जाऊँ, चल रहे बाहर थोड़ी देर, मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी बोल रहे मैं चलूँगी नहीं थोड़ी देर में, चलूँगी बाद में, फिर चलोगे कपड़े धो के? हाँ फिर ठीक है। तो अभी मम्मी पहले कपड़े धो ले, फिर चलते हैं बाहर। दीदी पता नहीं कब तक आएगी, दीदी नहीं होती ना, बोर हो जाता हूँ घर में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ब्लॉग देख के खुश हो रही होंगी वो। तो कैसे हम बाहर से मैगी का पैकेट लाते हैं दोनों, जब तक मैगी बनाते हैं और मैगी खाते हैं। तो गाइस ये रही मैगी का पैकेट, और बिल्कुल सिंपल मैगी बनाता हूँ मैं, मैगी बनाते हैं। अरे पानी डालना भूल गया,
मैगी के सिंपल चार टुकड़े करके वो डाल दो। तो मैं दो मैगी में आ रहा हूँ, मम्मी भी मेरे लिए। अरे तो फूटी भी है। तो गाइस मैं ना मैगी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला डालता हूँ कि वो अच्छी बने। तो लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़े थोड़े मसाले जो है ना इसके अंदर थोड़े थोड़े डाल देता हूँ। तो भाई मेरी मैगी तो मस्त बन जाती है। तो अब मैंने इसे पानी डाल दिया, मसाले डाल दिया, अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो गाइस मैंने मैगी तो पकने के लिए रख दिया है। पनीर भी तो लाना है ना, चाय की पत्ती, पनीर और फास्ट कार्ड ले लिया। हाँ अभी तो सामान बहुत सारे रह गया, अभी सामान लेके आया थोड़ी देर पहले। मैं और सामान मंगा रही हूँ। नहीं तू भूल गया। कुछ नहीं भूला मैं, पालक लाया तो पनीर जरूरी होता है, फास्ट कार्ड भूल गया। ठीक है और चाय की पत्ती। तो अभी पहले मैगी खा लेते हैं। मैगी मैंने बन के रख दिया है, तो 5-10 मिनट में मैगी बन जाएगी। तो मैगी खा के फिर जाऊंगा बाहर सामान लेने दोबारा। गाइस सुनो दोबारा। तो गाइस मैगी तो बन के रेडी हो चुकी है और मेरी चाय भी बन गई है। और पता नहीं क्या हो गया, मशीन खराब हो गई। देखो धुआं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा शायद, पीछे से धुआं निकल रहा था। अब इसके अब नई मशीन लेनी पड़ेगी ना मम्मी, देखते हैं ठीक होगी तो नहीं तो नई मशीन ले लेंगे। और मेरी चाय बन गई, अदरक की चाय बनाई है मैंने। तो अब मैगी खाएंगे और खाते पीएंगे अदरक की चाय मस्त। अभी तक दीदी और डैडी नहीं आए, 7:30 होने वाले हैं। मम्मी मैगी कैसे बनी है? मैं थोड़ी सूखी मैगी खाती हूँ, सूखी। मैंने सूखी बनाई है, सूखी मेरे को लग रहा है, सूखी अच्छी लगती है ऐसी। आपको अच्छी नहीं लग रही? ठीक है खा लेती हूँ, तूने बनाई तो। आप चाय डाल लो बस, अभी चाय उबल रही हूँ। तो गाइस दीदी आ चुकी है और आती दीदी अपनी धार्मिक हो चुकी है, पूजा कर रही है। तो दीदी बोले चल मैं बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। दीदी का मन नहीं लगता मेरे बिना पूजा करते। भाई मन नहीं लगता तेरे बिना। अबे तो अभी हम आए लिटिल ओल कैफे। दीदी को भाई हमेशा की तरह पिज्ज़ा खाना था। मैं ना मतलब कभी कभार हो जाता हूँ भाई पिज्ज़ा पिज्ज़ा कुछ, कितना पिज्ज़ा खाओगे? जब भी आएंगी पिज्ज़ा खिला दो। बढ़िया, तो हमने एक पिज़्ज़ा ही मंगाया है और दो दो पीस खा लेंगे दोस्तों। फिर अभी खाना बनने का टाइम भी हो गया, तो खाना वाना भी खाना है। आपको पिज्ज़ा से मन नहीं पड़ता? तुम्हारा पिज़्ज़ा आ चुका है, मुँह पे चमक देख रहे हो पिज़्ज़ा के नाम पे। तो गाइस खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं घर। सो गाइस मेरी अभी एडिटिंग पूरी हो चुकी है और मैंने भी खाना वाना भी खा लिया है। पर पता नहीं मेरे को नींद बहुत आ रही है। मैं ना खांसी की दवाई लेके आया था सुबह, उसको भाई खाने के बाद और एक पीने की लाया हूँ दवाई। पीने के बाद भाई आँख मेरी नींद वाली हो रही पूरी, ऐसे नशे की हालत में ऐसी आँखें होती ना लाल एकदम छोटी छोटी सी, वैसे नींद में हो गई। तो मैं वहाँ धो के आया था भाई, दवाई बहुत तेज़ वाली। तो गाइस मेरे को अभी एडिटिंग भी करनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और बहुत नॉर्मल ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मिलती जल्दी अपने न्यू व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम से कह बाय। आपका पिज्जा से मन नहीं पड़ता? मन नहीं।